सुबह के हो गए जी 6:20। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर हस्बैंड के लिए टिफिन। सब्जी बन गई है, छोले की सब्जी है, रोटी बना रही हूँ। ये देखो, इसको खाना नहीं दिया मैंने आज। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम जी बढ़िया है, एकदम तबीयत पानी सबकी ठीक है। सुबह के बज गए हैं 8, और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस टिफिन लेके। ये देखो, ये हाल है जी आज भी। बारिश कई देर से हो रही है, अभी नहीं है, रात को भी आई होगी, सो गए थे नहीं पता, और अभी भी बरस ही रहा है। राम जी, सावन लग गया ना आज से, इधर हमारा तो कल से लग गया, यूँ लगा लो कल से हो रही है बारिश, हवा के साथ हवा भी आ रही है। और बारिश के चलते जी बच्चों की कर दी गई थी आज छुट्टी स्कूल की। इसलिए ये दोनों बहनें सोई पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं ऐसे, ये दोनों सोई रही। मैं सोची ठंडी में सोने देते हूँ बच्चों को, नींद के मजे लेने देते हूँ, ठंडी में तो अच्छा लगे। तो इनका वही है, शाम को पता चला कि इनकी स्कूल की छुट्टी है, तो फिर आराम से आएंगे। तो क्योंकि आज की भी बहुत बारिश बता रखी, कल पूरा दिन हुई, आज की भी ज़्यादा बारिश बता रखी, तो इसलिए स्कूल की छुट्टी कर दी इनकी। वाली भाई जी, टाइम हो गया है 8:26। योशित सोरी निशु जब गया था वॉशरूम जाके, अरे अपना कुछ काम करके वही क्राफ्ट वाला, अरे बोल रही अभी फिर से सोऊंगी, मेरे को सो जाता हूँ। और मैंने भी फ़ोन का थोड़ा सा काम कर लिया है, खाना पीना भी कोई खाएगा नहीं, मैं भी सो रही हूँ। आज मैं सो रही हूँ, चाहे 10 मिनट सो चाहे 15 मिनट सो। 9:30 हो गए यार, ये निशु लेटी पड़ी अंदर, मम्मा तो सो ही गई है, अरे बारिश ऐसी ठंडी वाली चल रही है ना, इधर नीचे भी पानी भर गया है। टाइम हो गया जी 10:30, थोड़ी सी देर में सो ली। और मौसम ऐसा है ना, बस सो के जब उठी ना तो तब भी ये मन कर रहा है कि बस कोई खाने के लिए समोसे, पीने के लिए चाय दे दो और फिर से सुला दो। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश मतलब ऐसे परेशान है, पर सोने के लिए तो ये मौसम ना गजब का है। नींद आई है, आलस आई है, अब भी बारिश चल ही रही है, पता नहीं कितने दिन चलेगी। इधर पड़े हैं ऊपर कपड़े, अंदर कहाँ सुखाऊं अब मैं। हाँ पेड़ देख ली बेटा मैंने, यहाँ बहुत पानी भरा है, क्या करूँ, और अभी तो बारिश हो ही रही है। अरे तो मैं देख के ही तो आया हूँ। दिखाओ क्या दिखा रहे, योशी लग गई है लैपटॉप पे कुछ करने अपने। इधर तो पूरा पानी भरा है, मैं क्या करूँ, उसमें भी भर गया, नहीं तो चप्पल गिल्ली हो जाएंगी। हवा आ रही है इधर, तो हवा के जाते सब बूढ़ा पड़ा है, बालकनी में कैसे पानी भर गया। अरे हट, हवा आ रही है निशु, ले मैं पानी ओ गमलों में जी, ज्यादा पानी भर गया, फुल हो गया, देखो साइड में करती हूँ। सब्जी मच्छरदानी तो नहीं उतारेंगे, पता ना कब हमारा मच्छरदानी में घुस के सोने का मन कर जाए, आज नहीं उतार रहे इनको। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा मशीन का काम, देखते हैं कितनी सील पाती हूँ। टाइम हो गया जी सही 11:30, और सिलवार ऊपर का तो सारा काम कंप्लीट करते हैं, सिर्फ नीचे से पैंचे बनाने इसके बाकी हैं, तो वो काम करूँगी बाद में। भी जाती हूँ, टूट गर्म करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सुबह ऐसा ही ब्रेकफास्ट किया सब ने थोड़ा बहुत, तो हम भी खा पी लेते हैं रोटी, नहाने का मन नहीं है, ठंडी है, देखते हैं। टाइम हो गया जी 1:00, मैं नहा ली, अभी करते हैं खाना पीना। आज तो बहुत कुछ बनाया, थोड़ा सा आटा था तो पूरी बना दी है, थोड़ी सी फ्राई मी, छोले की सब्जी है सुबह बनाई थी, और चावल बनाए हैं मीठे के साथ भी, लेकिन इसमें पूरा है। अब भाई घी का और लेके आना नहीं सुधरा,
आ जा निशु भी ना ले उसी ना ले। कटोरी क्या करेगी? ये ऊपर है। ये भगवान बैठने ना दियो और गंदी है। बैठने ना दियो। बारिश के मौसम ऐसे ही फ्राई में फ्राई में भी अच्छा लग गया। खेल कर रही हो निकाली ले हटा ले ना होगो होगो फुल भर के क्या में अब तो निकाल तो आइए ये तो आता लग जाएगा मुझको। ओह माय गॉड गिर जा मत गिरेगा गिर रहा है दबा के नहीं बना तूने तब गिर रहा है वो हमें वापिस बनाना पड़े खाएगी तब गिरेगा खेल लग रही है ऐसे ही है ना बड़े खाएगी तब गिरेगा ना वो तब कैसे क्या खाएगी ना तो शाम के बज गए हैं जी सही 5 और मैं बनाने लग गई हूँ चाय। सूट मैंने सिल लिया सूट पहले सिल लिया सिलवार का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया है और 5 बज गए हैं। आज पापा जी जा रहे हैं गाँव में वापस तो तैयार है वो खाना वाना तो कुछ लेके नहीं जा रहे क्योंकि भैया राजधानी में है तो मिलेगा सब जाते अभी डिनर पर मिलेगा तो बस रेडी है चाय पी के फिर निकलेंगे। बैग वैग सब तैयार है और हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से छोड़ के आने के लिए तो बस चाय बन जाती है चाय पी के फिर पापा जी चले जाएंगे। मन नहीं लग रहा उनका यहाँ पे तो 1 महीना ही मुश्किल से कंप्लीट किया है उन्होंने तभी और कोई साथ में जा रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं। चल दिए जिनके नाना बैग तो ले ना ना बोलना नहीं बेटा जाना है बोलना क्या बेटा चल दिए जी 6:30 की ट्रेन है अभी कितना 20 हो गए 5:20 हो गए टाइम से पहुंच जाएंगे। इधर ही चाय का कप उठा के इधर आ जा गिल्ला नीचे अरे चाय गरम चाय पी के ठंडे में होकर या इधर नाना तो जी चले गए 1 महीना रुक के सिचुएशन थोड़ी अलग सी हो जाती है ठीक है चाय पीते हैं पहले थोड़ी देर फोन को रख देते हैं अभी टाइम हो गया जी 6:15 ये लैपटॉप पे बैठे अब ब्रेक ले लेगी नीचो क्या विंडो में से देख रहे जी इतने कपड़े पड़े तय करूँगी सिले सिले ही लग रहे हैं क्या करूँ और ये तो उतारे ही नहीं है ये उतार फिर आज के सुखाऊंगे ये भी ऐसे ही लग रहे हैं अभी हल्की हल्की आ रही है आज मतलब दोपहर के बाद थोड़ी हल्की हल्की सी आई है और बच्चे देखो पानी में कैसे छब 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 यही खेल हो रहा है इनका ठंड लग जाए बीमार पड़ जाएंगे। करते हैं तो जी कपड़ों की तय करती हूँ और मशीन वही धोने ही है रोज ही होने हैं कपड़े तो बाहर के भी उतार के लाती हूँ ये सब काम करती हूँ। टाइम हो गया जी 7:30 प्याज काटी रहसी काटती ये देखो छोले की सब्जी बनाई थी ना जिस दिन भी मैं छोले की सब्जी बनाती हूँ ना उस दिन योसी बोल देती मम्मा छोले रख देना फिर इस तरह से चाट बना के खाते उसको अच्छी लगती है। हमने भी बचपन में बहुत खाई थी साइकिल पे ऐसे गांव में बेचने आते थे 10-10, 5-5 रुपए के लेके आप लोगों में से किसने खाई कमेंट करके बताना। हमने तो बहुत खाई थी टेस्टी भी लगती थी तो अभी ये बना ली मैंने इसमें प्याज टमाटर डाला है ये निशु खा गई है नमक मिर्च और चाट मसाला नींबू वगैरह थोड़ी डाली बहुत टेस्टी लगती है तो अच्छा साइड में कर दूंगा मिर्च ये बनाते हैं जी ये खाते हैं और चावल रखे तो चावल तो अभी नहीं वो करूंगी इसकी खीर से बना दूंगी और सब्जी रखी थोड़ी रोटी बना लूंगी पहले चाट बनाते हैं ये खाते हैं टेस्टी मुँह में पानी आ रहा है। टाइम हो गया जी 9:30 आम हो गया खत्म मुँह भी धो लिया तुम ब्रश भी कर ले बस थोड़ी सी मुँह की पुताई करनी है और बस सोना है बल 5-10 मिनट लास्ट लगा लो तो सोते हैं ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में आप सभी को शुभ रात्रि राम राम जी।